इससे पहले जो मैं अर्बन बॉटनिक का ये देखो तो आप फेस सीरम यूज़ करता था, जो क्योंकि मैंने रिव्यू भी दिया है और इसके बारे में डिटेल में बताया भी है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देखना। और इस वीडियो में हम बात करेंगे लिप स्क्रब के बारे में, जो कि मैं लगभग 10 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, और ये भी जो है अर्बन बॉटनिक की तरफ से आता है। आज हम रिव्यू करेंगे अर्बन बॉटनिक की तरफ से आने वाला लिप स्क्रब की। तो चलिए पहले आप अनबॉक्सिंग वीडियो देखिए, फिर आपसे हम बात आते हैं और कितने देर यूज़ करना है, तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ओह सॉरी, बिल था, तो मैं आपको बिल एक बार दिखा देता हूँ। ये जो है कट गया है, मैंने अभी जो ब्लेड चलाया इसके कारण। तो ये आप देख सकते हो, इसका प्राइस जो है 299 रुपीज़ है, अमेजोन पे आपको पड़ेगा, और इसकी कोई भी डिलीवरी चार्ज भी नहीं लगेगा। इसकी इसे जो मैंने इसलिए परचेज किया कि आपने पहली वीडियो मेरी देखी होगी, तो अर्बन बॉटनिक की तरफ से ही वो आता है, अर्बन बॉटनिक आप कहता है नेचुरल केयर, ये आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, और अर्बन बॉटनिक की ब्रांडिंग की गई है, बायो एक्टिव स्किन केयर एडवांस्ड लिप स्क्रब, तो काफ़ी सही है। बाकी यहाँ पे इसकी MRP वगैरह देखोगे तो 499 रुपीज़ इसकी MRP है। 2 साल बाद तक आप इसे यूज़ कर सकते हो मैन्युफैक्चर के बाद, तो काफ़ी सही है। तो चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं कि कैसा जो है हमारा लिप स्क्रब है। तो ये लिप स्क्रब जो है कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। ग्लास का ये डब्बा है और इसकी क्वांटिटी जैसा कि मैंने बताया कि 40 ग्राम इसमें रहता है, तो वही सारी चीज़ें जो बॉक्स पे दी गई है वही है। और इसमें सारा जो है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिलाया गया है, तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का सील आपको इसमें मिलता है, और कुछ ऐसा ये देखने में लगता है। और इसका सुगंध, वाव, बहुत ही प्यारा सुगंध है इसका। मैंने खोला और बस वाव। तो आपको च्युइंगम याद है जो हम लोग बचपन में खाते थे, उसका इसका सुगंध एकदम सेम ऐसा ही है। अगर आप परचेज करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कौन से च्युइंगम के बारे में बता रहा हूँ। पहले लंबा सा जो है सेंटर फ्रेसा और सेंटर फुट जो मिलता है, उससे पहले हम लोग जो खाते थे लंबा वाला, एकदम ऐसा ही सुगंध है इसका, सेम सेम। और ये जो है रेड का है अंदर में, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा लेके और अपने लिप में जो है इस तरीके से देख सकते हो, इस तरीके से लेके और राउंड डाउन जो है आपको मसाज करना है, और थोड़ा सा दरदरा है। अगर आप फेस स्क्रब यूज़ करते हो तो आपको पता होगा उसमें दरदरा जो रहता है, तो ऐसा ही। आपके इसके रिव्यू की तो पर्सनली मुझे उतना खास जो है नहीं लगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 10 दिनों से लगभग यूज़ कर रहा हूँ। और हाँ, ये अलग बात है कि मैं दिन में एक बार ही यूज़ करता हूँ, ऐसे आप 2 बार यूज़ कर सकते हो तो कुछ खास जो है नहीं होता है। हो सकता है मैं अगर रेगुलर इसे यूज़ करूँ 10-15 दिन और तो कुछ असर दिख जाए, पर अभी फिलहाल कुछ खास नहीं दिख रहा। हाँ, थोड़ा थोड़ा जो है पिंक टाइप का हो जाएगा आपका लिप, बाकी अगर आप टिकटॉकर के जैसा चाहोगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है। बाकी इसकी स्मेल वगैरह बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा स्मेल करता है ये। इससे पहले जो है कोई लिप स्क्रब वगैरह यूज़ नहीं किया है तो मुझे उतना पता भी नहीं है। अगर आप यूज़ करते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि कितनों दिनों में जो है लिप जो है चेंज हो जाता है, मतलब पिंक हो जाता है। अगर किसी का डार्क है किसी कारण से, जैसे कि जो स्मोकिंग करते हैं उनका लिप जो है डार्क होता है ज़्यादातर आप देखोगे, तो कितनों दिनों में जो हो इसका असर दिखने लगता है। धीरे धीरे आपको दिखेगा कि जो है आपका लिप जो है पिंक पिंक होते जा रहा है, पर आप इसे रेगुलर यूज़ करोगे तो। मैंने जो है इसे रेगुलर यूज़ नहीं किया है, और तो ये थी इसके रिव्यू। और मैं जो है अभी फेस स्क्रब भी इसका अर्बन बॉटनिक का यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका भी रिव्यू बहुत ही जल्दी आपको 2-3 दिनों में मिल जाएगा देखने को, उसका भी वीडियो। तो अगर आप इस लिप स्क्रब को परचेज करना चाहते हो तो अमेजोन का लिंक, बाइंग लिंक जो है डायरेक्ट वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इजीली चेकआउट कर सकते हो। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आप कौन सा जो है लिप स्क्रब यूज़ करते हो या फिर नहीं करते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।